दोस्तों, आज मैं आपके लिए पेटीएम फास्टैग की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर जो आपके लिए आता है, और इसको अप्लाई करना बताऊँगा कि आप इसको अपनी कार में कैसे लगा सकते हैं। मैंने पेटीएम से मंगाया, आप किसी भी अलग से मंगा सकते हैं, जैसे फ़ोनपे या गूगल पे हुआ। मैंने पेटीएम से मंगाया और मैं आपको बता दूँगा कितने रुपये का था। तो वैसे ये 350 रुपये का था। आप जब भी इसके इस पर जाएंगे पेटीएम पर, तो आप देख सकते हैं। तो ये 350 रुपये का है, जिसमें से मुझे 100 रुपये कैशबैक मिल चुका है और 250 रुपये, मतलब 250 रुपये मुझे इसके अंदर बैलेंस मिला, मतलब फास्टैग बैलेंस है। तो ये मान सकते हैं ये बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। और बाकी इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सुंदर क्या क्या है। वैसे मैंने वेरीफाई करने के लिए इसको ओपन कर लिया था, तो सुंदर क्या क्या मिलता है आपको बता देता हूँ मैं। तो इसके अंदर कुछ इस अंदर ये बिल है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कैसा कैसा क्या है इसके अंदर, कुछ काम का नहीं है। और बाकी यूज़र गाइड मैं आपको सब बता ही रहा हूँ कैसे क्या करना है। तो एक यूज़र गाइड मिलता है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। वैसे तो ऐसे कुछ है नहीं, मैं बता दूंगा आपको उसमें क्या क्या है। और ये कुछ एक फॉर्म मिलता है जिसका कुछ एक यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ कि मतलब आपको यूज़ करना है, लेकिन आप इसको फिर भी एक बार रख लें ताकि कभी इसका काम पड़ जाए आपके लिए, इसको आप रख सकते हैं इसलिए। तो इसके अंदर जो मेन काम है हमारा, वो सिर्फ ये है फास्टैग। तो ये है फास्टैग, तो उसको चलिए बताता हूँ उसको लगाना कैसे। तो लगाने से पहले आप हमेशा याद रखें कि जब इसको आप लगाएं तो आपकी जो विंडशील्ड है उसको एक कपड़े से इसको पोंछ लें, ताकि यहाँ पर कुछ भी जो अगर डस्ट वगैरह रहेगी तो उसकी एक लेयर हट जाएगी, क्योंकि उस पर कुछ लेयर बन गई तो वो आपका फास्टैग कभी भी निकल सकता है, और जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका फास्टैग चलते चलते रास्ते में उतर जाए। तो इसलिए इसको हमेशा अच्छे से ध्यान से एक बार पोंछ लें। और इसको एक बात याद रखें, इसको हमेशा आप मिडिल में लगाएं आपकी कार के। जैसे अभी यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी आ रही है यहाँ पर, तो उसका कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो पूरा सेंस कर लेगा। तो इसको आप इसको सेंटर में लगाएं आप इससे, तभी नहीं कि बिल्कुल फुल सेंटर आपसे ये सब एक आप या फिर किसी का रेफरेंस ले सकते हैं, बाहर किसी फ्रेंड को खड़ा करवा सकते हैं, या फिर आप अपने खुद से रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे मैं इस बार रेफरेंस इसके कराऊंगा तो आप बीच में, तो उससे मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये है, इसको आप पूरा भी निकाल के लगा सकते हैं। मैं इसको हाफ निकाल रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ हाफ निकाल के मैं इसको यहाँ से सब पेस्ट करते जाऊँगा। तो इसको अगर मैं यहाँ से करूँ तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया ये, और ये लग गया बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस कोई बार एक बार रब कर ले उंगली से, ताकि ये क्या पूरा सही लग चुका है कि नहीं। तो बस एक बार चलिए बाहर चल के देखते हैं अपन ये सही लगा है कि नहीं लगा। आप देख सकते हैं हल्का सा थोड़ा सा नीचा हो चुका है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो पूरा सेंस कर लेगा यहाँ से यहाँ एरिया के, इतना कोई दिक्कत नहीं। मतलब ज़्यादा ना हो कि हल्का, या फिर आप किसी बड़े के रेफरेंस में लगाएं उसको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड हैं ताकि उन्हें दिक्कत ना हो फास्टैग के बारे में। तो बस आज की वीडियो